हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हो। स्वागत है मेरे चैनल में आपका। और आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी गाजर मटर। आइए मेरे साथ किचन में। दोस्तों, गाजर मटर गोभी बनाने के लिए मैंने आधा किलो गोभी ली है, एक पाव मटर है और ये 300 ग्राम करीब गाजर है। अब इसको मैं काट लूँगी। इस तरीके से निकालो, इसका डंठल अलग कर दो और ये गोभी रह गई। और इस तरीके से इसको तोड़ लो। ये सीजन की गोभी है, जल्दी गल जाती है, तो उसके ज़्यादा छोटे टुकड़े ना करें, नहीं तो फिर ये भरता बन जाएगी, बिल्कुल गोभी खाने में टेस्ट नहीं आएगी। अब दोस्तों, इसकी ये जो डंठल है वो मैं डंठल भी निकाल लूँगी, क्योंकि डंठल सब्ज़ी में न डले तो गोभी की सब्ज़ी में मज़ा नहीं आता खाने में। मेरे बच्चों को डंठल बहुत पसंद है और वो ज़रूर डंठल खाते हैं। इस तरीके से डंठल की सब्ज़ी अलग से भी बनती है। इसका मैंने मोटा छिलका उतार दिया डंठल का। अब ये सॉफ्ट रह गया तो मैं इसको महीन करके काट दूंगी। टाइट छिलका होता है तो ये इस तरीके से नहीं कटता, टाइट छिलका होता है इस तरीके से काटते हैं, और सॉफ्ट छिलका होता है तो हम इसे टुकड़ों में काट देंगे। अब दोस्तों, गाजर के छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी मैं। आज गाजर गोभी और मटर मिक्स करके बनाऊँगी। ये जो पीछे का पार्ट है ये हटा दो। ऐसे मैं सारी गाजर काट लूँगी। मैं इसमें मटर छील के डालूँगी, लेकिन मटर मैं अलग से छीलूँगी, क्योंकि जब जब हम सब्जी धोती हैं तो मटर नीचे बैठ जाती है और उसे निकालने में दिक्कत होती है, तो मटर को अलग ही धोऊँगी मैं, बिल्कुल अलग दाने निकाल के इसके और एक कटोरी में डाल के अलग से धोऊँगी। इसी तरीके से सारी मटर में छील लूँगी। ये आधा किलो दोस्तों आलू हैं, इस आलू को मैं ऐसे घिस के छील लूँगी जैसे मैंने ये छीला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, नए आलू को हमेशा इसी तरीके से घिस के छीलना चाहिए। बस, और ऐसे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। एक पीस और ये दो पीस और ये एक और ये दो, इस तरीके से मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी छील कर। दोस्तों, आलू काट के मैंने इसी के अंदर डाल लिए हैं। अब मैं सब्जी को धोऊंगी। धो के सब्जी दिखा रही हूँ मैं आपको। दोस्तों, सब्जी धुल गई है और सब्जी मैं कोई फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि फ्राई करके ऑयल बहुत आ जाता है और मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो मुझे तो ऑयल वैसे भी कम खाना है। और जिसको ऑयल कम खाना है वो इसी तरीके से वो भी बनाए, और इस ढक के और इस तरीके से इसको टेढ़ा करके इसका एक्स्ट्रा पानी सारा मुझे निकाल देना है इस तरीके से। और इसमें डालूँगी मैं एक चम्मच नमक, जिससे गोभी जल्दी गल जाए। और आपको दिखाऊँगी कितनी बढ़िया बनती है कम तेल में भी गोभी।
और इसको ढक के, और ये जो मटर है वो गोभी में बाद में डालूंगी, क्योंकि अगर अभी संग मैंने उबालने रख दी तो ये मटर पीली पड़ जाती है, देखने में भी अच्छी नहीं लगती, बच्चे भी कहते हैं कैसी मटर हो गई। तो इसको मैं अलग से उबाल के और इसमें बाद में मिला दूंगी जब सब्जी में कोरूंगी तब। तो गैस मैंने जला ली है और गैस पर फुल गैस करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख रही हूँ। 5 से 7 मिनट हो गए हैं और गोभी को खोल के देखूँगी। गोभी हमारी उबल गई है, अब इसी में हम डाल देंगे मटर। हमने जो मटर को उबाल के रख लिया है, जो मैंने आपको बताया था रीज़न कि मटर हरी नहीं रहती, साथ में उबालने से पीली पड़ जाती है, तो सब्जी देखने से अच्छी नहीं लगती। अब मैं इसको एक थाली में निकाल लूँगी, क्योंकि इसे मैं ये तड़का वगैरह लगाना है गोभी के अंदर। दोस्तों कढ़ाई गर्म हो गई है, इसी में मैंने सब्जी उबाली थी और सेम कढ़ाई में सब्जी बनाऊँगी मैं, तो इसमें मैं डालूँगी तेल। तेल मैंने एक बड़ा चम्मच डाला है, क्योंकि मैंने उससे पहले ना तो तली है गोभी ना गोभी के अंदर तेल डाला था, तो इसलिए मैंने एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। 2 से 3 कड़ी पत्ते डालूंगी, तेल मेरा गर्म हो गया है, और 1/2 चम्मच डालूंगी जीरा। जीरा मेरा चटक गया है दोस्तों, और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच मसाला, धनिया, मिर्ची, हल्दी। पानी मैंने बिल्कुल डाला नहीं है, क्योंकि गोभी के अंदर थोड़ा बहुत पानी है, और इसके अंदर डाल दूंगी अब गोभी। इस तरीके से मैं इसको धीरे धीरे उलट पलट कर दूंगी, जिससे गोभी घुटे ना। अब मेरे तरीके से दोस्तों एक बार गोभी बना के देखना कितनी टेस्ट, एकदम होटल जैसी सब्जी बनेगी। उसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, नमक मैंने पहले भी डाला था, लेकिन नमक आप स्वाद के अनुसार डालें तो कम है, इसलिए थोड़ा बहुत नमक मैं और डालूंगी। उसके लिए कम से कम मैं 5 मिनट के लिए ढक कर रख दूंगी। दोस्तों जब तक सब्जी मेरी अकुर रही है तब तक मैं हरा धनिया धो लिया है, और इसको बारीक कट के करके मैं बारीक बारीक स्लिप करके काटूंगी। दोस्तों सब्जी को 5 से 7 मिनट हो गई है, खोल के देखूंगी मैं। अब देख सकते हैं सब्जी कितनी बढ़िया देखने में लग रही है, मटर हरी हरी। और अगर मैं मटर इस गोभी के साथ रख देती मैं उबलने, तो मटर एकदम लाल हो जाती और देखने में ना अच्छी लगती ना खाने में टेस्ट आता। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा गर्म मसाला और इसको मिक्स करूंगी। अब गैस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए मैंने फुल कर लिया है, क्योंकि अब गैस बंद करूंगी, इसलिए तो अच्छे से जो है वो भी सारी सब्जी मिक्स गर्म मसाला हो जाए उसमें। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी बढ़िया कितनी टेस्ट थी। और इसके अंदर डालूंगी मैं हरा धनिया ढेर सा, और इसको भी मिक्स कर लूँगी, गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। इस तरीके से घुमा इसलिए रही है दोस्तों, सब में हरा धनिया सारी सब्जी में मिक्स हो जाए। और सब्जी को मैं अब सर्व करूँगी, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। दोस्तों गोभी आलू मेरी बनकर रेडी हो गई है, देख सकती है कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी और कितनी मसालेदार गोभी बनी है। दोस्तों गोभी आलू गाजर मटर की सब्जी आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक का बटन दबाना। आप लाइक नहीं करते हो ना कमेंट करते हो, लाइक भी किया करो कमेंट भी किया करो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, इससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं रोज़ वीडियो डालूँ। आज बहुत तबीयत ख़राब है दोस्तों, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मैं चाहती मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो, बहुत छोटी है फैमिली, आगे मेरी फैमिली बढ़ाओ। दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसी नई नई रेसिपी आपको वीडियो देखनी है मेरी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
और ऑल पर सेलेक्ट करना तो बिल्कुल मत भूलना, जिससे नई वीडियो आप तक मेरी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों राधे राधे।